नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मुकेले आसंतु आज मुपण मानक जीवंत आहार को स्वागत जनाए। आज आम मैने पवित्र बाइबल मार्ग पुस्तक आठ अध्याय एक पद रु तेर पद पर्यंत पाठ करी ध्यान करवा। आज मुख्य प्रसंग सातोटी रोटी और अल्प केतोटी माछ एठार एक प्रकार लेखा जाए। से समय रे बहु संख्यक लोक पुनर्बार एकत्र हेले आउ सेमानंक पाखरे खाद्य द्रव्य किछि नथिबारु जीसु सेमानंकु निकट को डाके सेमानंकु कहिले लोक समूह प्रति मोहर दया हिवछि कारण एमाने तीन दिन हेलाने मो संगरे रही अछन्ति ओ एमानंक पाखरे किछि हि खाइबाकु नाहि। जदि मो सेमानंकु अनाहार रे घर को पठाए ताहले बाटरे सेमानंकर हंसा उड़ीजीव सेमानंक मध्यरु केतेक तो दूररु आसी अछन्ते। शिष्य माने ताहंकु उत्तर देले एठारे एही निर्जन स्थान रे किए केउठारु रोटी आनी एमानंकु तृप्त करि पारिबो। सेमानंकु पचारिले तुम्हमानंक पाखरे केतोटी रोटी अछि सेमाने कहिले सातोटी। सेथिरे से लोकसमूह को भूमि रे बसिबाकु आज्ञा देले आउ से सातोटी रोटी घेने धन्यवाद दे से सब भांगी परिवेषण करिबा निमन्ते अपना शिष्य मानंकु देले ओ से माने लोकसमूह को ताहा परिवेषण कले। पुणी से मानंक पाखरे अल्प केतोटी सान माछ थिला से सब मध्य से आशीर्वाद करी परिवेषण करिबा निमन्ते कहिले। सेथिरे सेमाने भोजन करी परितृप्त हेले ओ सात बेता बड़का भंगा रोटी उठाइले। सेमाने प्राय 4000 लोक थिले तापरे से सेमानंकु विदाई देले ओ सेई क्षणे अपना शिष्य मानंक सहित नौकारे चढ़ी दलमनुथा अंचल को आसिले। परे फारुसी माने बाहरी आसी ताहांक सांगरे बादानुवाद करिबाकु लागिले ओ ताहांकु परीक्षा करिबा अभिप्राय रे आकाशरु गोटिए चिन्ह मागिले। सेतिरे से आत्मारे व्यथित होई दीर्घ निश्वास छाड़ी कहिले वर्तमान पुरुष काहीकि चिन्ह अन्वेषण करुअछे मु तुम्हमानंकु सत्य कहुअछे वर्तमान पुरुष को कौन से चिन्ह दियाजीव नाही आउ सेमानंकु छाड़ी पुनर्बार नौकरे चढ़ी आर पारिकि बाहरी गले। पठित शास्त्रांशरे प्रभु आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। आसंतु पठित अंश को बुझिबा निमन्ते चेष्टा करिबा। देकापली अंचल लोक माने जीशुंक निकटरे एकत्रित होई ताहांको शिक्षा गुड़िक शुणिबाकु लागिले। दीर्घ तीन दिन धरी जीशुंक शिक्षा गुड़िक शुणुथिबा लोक मानंक प्रति जीशु दयारे बिगळित हेले एवं सातोटी रोटी और अल्प केतोटी छोट माछकु नहीं प्राय 4000 लोकंकु परितृप्ति पर्यंत भोजन कराइले। जीशु जेतेबेले दलमनुथा अंचल को आसिले सेतेबेले फारुसी माने तांकु स्वर्गरु गोटिए चिन्ह मागिले। जीशु सेमानंकर कठिन हृदय जोगु अत्यंत दुखित हेले कारण सेमाने देखि सारिथिबा चिन्ह गुडीकु विश्वास कले नाही जहाँ 10 13 पद मध्यरे आमे देखुछु। एठारे जीशु अपना को किपरि प्रकाश करती आसतु ताहा आम्भे माने देखिवा। जीशु क्षुधित लोक मानंक प्रति दयारे बिगळित हेले आम्भे माने जेतेबेले कौनसी छोट ओ गुरुत्वहीन परिलक्षित हेउथिबा द्रव्य को मध्य देइथाउ प्रभु तद्वारा आश्चर्य कर्म साधन करती। आज पृथ्वीर अधिकरु अधिक लोक माने दरिद्रता हेतु अनाहारे दुख भोग करुछंती। जदि आमे मंडली आम मानकर संपत्ति को जाबुड़ी धरी से मानक ठारु मुख फेराओ तेबे आम्हे माने साहाज्य आवश्यक करुथिबा लोक मानक प्रति जीशु करिथिबा कार्यर विपरीत कार्य करिथाओ। एठारे ईश्वर आम्हे मानकु कौन शिक्षा पई चाहंती आसंतु ताहा आमे शिखु पणे आपण आपण जीवन रे ताकु प्रयोग करने निम्ते चेष्टा करू। 11 13 पद मध्यरे
ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ ମାଗୁଥିବା ଫାରୁସୀମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଚିହ୍ନ ଦେବାକୁ ନାସ୍ତି କଲେ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ମସିହ ଯେଉଁଥିମାନଙ୍କର ଆଶା ଅନୁସାରେ ଗୌରବରେ ନ ଆସି ବରଂ ଦୁଃଖଭୋଗ ସହ୍ୟ କରିବାର ମସିହ ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୃଶର ଚିହ୍ନ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ବି ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ମହିମାର ଚିହ୍ନ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦତ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚିହ୍ନ କୃଶ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜିର ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ଲାଇକ୍ ପୁଣି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତାକି ଅନେକଙ୍କ ନିକଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏହି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଅଳ୍ପ ଉତ୍ସରେ, ଅଳ୍ପ ଅର୍ଥରେ ଅନେକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ତୁମେ ପ୍ରଚୁରତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ମହିମା ତୁମକୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍।